हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब लोग? मेरा सच में मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ यार। दुखी हद होती है एक लेवल की कि हम इस हद तक दुखी हो सकते हैं, बट मेरा तो पता ही नहीं चल क्या रहा है। एक तो रीज़न ये है कि कम से कम एक महीने से मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही बिल्कुल भी, स्टडी पे फोकस नहीं है। ब्लॉगिंग लाइन में घुस जाई मैं, फिर भी यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा। मतलब हद है, मतलब ना तो वो साइड की रह पा रही हूँ ना इस साइड की रह पा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। जैसे पता है आज सुबह मैं सोच ही रही थी कि छोड़ो यार, डिलीट करो सारा कुछ, कुछ नहीं है और कुछ होने वाला नहीं है। ये वो नेगेटिव थॉट हो जाते हैं ना अंदर, भयंकर तरीके से भर जाते हैं नेगेटिव थॉट। वो हो गया मेरे अंदर, मैंने बोला होने वाला ही नहीं है कुछ, छोड़ो यार। फिर मैंने देखा दो कमेंट थे मेरे दो दो ब्लॉग्स पे, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ी मोटिवेशन आई, लगा यार करते हैं कुछ। थैंक यू जिन्होंने भी वो कमेंट करे थे। ऐसी सपोर्ट चाहिए मुझे यार। अभी फ़िलहाल मैं अपनी छत पे बैठ के ये बना रही हूँ, फिर आज मौसम भी अच्छा सा था, धूप भी नहीं थी ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा मैं छत पे ही आके बना लूँ। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ, देखो मतलब वो ये बर्तनों ने बाकी की सारी चीज़ें पेड़ वगैरह लुक। इसके अलावा अपने घर का आंगन दिखाऊँ, ये तो यही सूख रहे हैं फिलहाल। दो आंगन है, वो लड़कियाँ मुझे ही देख रही हैं पागल सी। अब उन्हें लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रही है वो। यार कितना क्यूट है, देखो बिल्ली का बच्चा, लुक ए मेरी बेटू। अब तो बिल्ली ने मैं बद्दुआ दे दी होगी मुझे, मतलब खुद के दुखड़े रोने के चक्कर में उस बिल्ली की भी नींद ख़राब कर दी मैंने। मतलब कम कलेश मेरी ज़िंदगी में एक बिल्ली ने और हाय दे दी मुझे, हाय राम। पता नहीं क्या होना है, जाते जाते खूब घूम के देख के गई है मुझे, इतनी गालियाँ दे रही होगी वो बिल्ली मुझसे। हद है, मतलब मुझे तो कभी कभी लगता मैं खुद ही पनौती हूँ। चलो वैसे भी मैं अब नीचे जा रही, धूप हो गई है यार, कितनी गरीबी है जीवन में, जगह ही नहीं है बैठने की। प्लीज़ बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, बाय।